ये देखो दोस्तों, ये छोटा सा मिट्ठू अभी आया है। इसको आए हुए 12 दिन हो गए। आया था तो इसके ऊपर एक भी पंख का रोआ नहीं था और अब ये इतना बड़ा हो गया है, देख सकते हो, देख रहे हो। लेकिन अभी भी देखो इसको यहाँ पंख नहीं है। कितना क्यूट है ये देखो। अले ले 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 ले। इसको रख देते हैं इसी में, यही इसका घर है। और दूसरा मिट्टू हम लोग का यहाँ पे है, ये देखो, ये बहुत जेलस है। इसको भी नीचे नीचे काले काले देख सकते हो, यहाँ पर आ रहे हैं रिंग इसके आ रहे हैं। बहुत प्याला हो गया ये, है ना, है ना चीमी। छमछम हम लोग के साथ खुश रहता था, लेकिन फिर भी हम लोग ये वाला तोता लिया, क्यों हम लोग मान के चलो कि जब उसके साथ नहीं खेलते तो इसके साथ आराम से अपनी कंपनी मिलती रहेगी उसको। तो जो भी मैं इसके साथ पॉसिबल कर सकता हूँ वो मैं अपने छमछम के लिए करता हूँ। ये अब मैं इसे उड़ा तो नहीं सकता, मैं इसके बारे में कभी कभी सोचता हूँ कि इसे उड़ा दूं, पक्षी को कैद रखना ही है। फिर सोचता हूँ ये यहाँ का ब्रीड नहीं उड़ाऊंगा, जैसे यहाँ की लोकल बर्ड्स इसको मार देंगे, इसको बाहर का तो कोई नॉलेज नहीं है। और सच बताऊं तो मैं जब इसे घर अपने पिंजरे से इसके बाहर भी निकालता हूँ तो ये वापस पिंजरे में ही जाना चाहता है, वो खुश रहता है अपने पिंजरे में। तो वहीं पर इसे हम लोग अच्छे से सारा चीज देते हैं, खाना पीना पानी और बात करना, इसे बाहर भी निकालते हैं जितना इसको मन रहता है। अब इसके साथ ये दोस्त भी ले हैं, तो अपने लिए जो हो सकता है कर सकते हैं, मैं करता हूँ इसके लिए। तो चलो चलते हैं। सो अभी आए हम यहाँ पर जाहिद जी के यहाँ, जो पिछले भी आप कई बार वीडियो में देखे होंगे यहाँ पर। और यहाँ देखो मैं गाड़ी का करवा रहा हूँ, यहाँ पर शॉकर लो, तो ये गाड़ी का शॉकर लो रहा है। यहाँ हल्का सा आप देख रहे हो जो ऊपर निकला हुआ है, इसे मैं और नीचे करूंगा तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, गाड़ी का जो हाइट है आगे से कम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, स्टेबिलिटी का। इसका ये जो आप नंबर प्लेट देख रहे हो, इसको मैं यहाँ से हटाकर यहाँ कसवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब इतना ही गैप बच गया है, नंबर प्लेट रहता तो ये टकरा सकता था, तो ये अब ऊपर लग जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि गाड़ी कैसे। दोस्तों तो आ गया हूँ मैं घर पे और अभी मैं निकलने वाला हूँ फिर से इंटरसेप्टर का अपने मॉडिफिकेशन कराने। तो आज के वीडियो में आप देखोगे कि मैं अपने इंटरसेप्टर को मॉडिफिकेशन कैसे कैसे करा रहा हूँ। दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं जो बाहर निकलने के लिए उछल रहे हैं, फुदक रहे हैं। और अब चलो चलते हैं श्याम ऑटो और वहां चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने इंटरसेप्टर में क्या क्या करा है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो दोस्तों इंटरसेप्टर पे मैं बहुत सारा काम कराने वाला हूँ। पहले तो मैंने सोचा कि इंटरसेप्टर को एक जैसे एक तरीके से चलाते चलाते मेरा मन थोड़ा सा उब गया था, तो परफॉर्मेंस से तो मैं इंटरसेप्टर के नो डाउट काफी सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन मैं उसकी थोड़ी स्टाइल में थोड़ा और उसे स्टाइलिश बनाना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे कॉन्टिनेंटल जीटी में कन्वर्ट करवा दिया जाए। तो कॉन्टिनेंटल जीटी के मैंने जब जाकर फ्यूल टैंक का दाम पूछा तो करीबन 15-16 हजार रुपये फ्यूल टैंक का दाम है। और उसका हैंडल बार, जो ट्विन हैंडल बार रहते हैं जिसमें सिंगल हैंडल रहता है इंटरसेप्टर में, तो उस बार का कीमत लगभग 6500 रुपया है। उसे लगा वगा अगर लगभग 7500, टोटल 22500 का खर्चा पड़ेगा अगर मैं अपने इंटरसेप्टर 650 को कॉन्टिनेंटल जीटी में कन्वर्ट करूं। लेकिन मैंने सोचा कि फ्यूल टैंक को बदलने से कोई फायदा नहीं है, इसी फ्यूल टैंक को मैं कुछ कस्टमाइजेशन करवाऊंगा। और जहां तक ट्विन हैंडल बार का बात है, तो मैंने जो अभी अपनी यामाहा R15 का जो मैंने USD शॉकर्स लगवाए थे, तो उस समय मैंने उसके क्लिप ऑन हैंडल बार भी चेंज करवाए थे। आप अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। वीडियो का लिंक भी मैं हो सके तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हो सके तो यहां पर आई बटन में भी आ रहा होगा, तो वो भी आप देख लेना। सॉरी इधर आता है आई बटन, इधर आएगा मे भी। तो मैंने क्या किया कि अभी R15 के जो पुराने वाले शॉकर के क्लिप ऑन हैंडल बार थे उनको मैंने निकाला, ये देख सकते हो कि कुछ ऐसा है, एकदम प्लग एंड प्लेस में लग रहा है। अब चल दूंगा मैं श्याम ऑटो और श्याम ऑटो में जाकर मैं बोलूंगा वहां पर कि प्लीज इसे फिट कर देने के लिए। ज्यादा से ज्यादा इसके जो स्विच है वो वहां पर फिटिंग आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है। और भी कुछ कुछ काम करवाएंगे, तो चलो देर न करते हुए चलते हैं श्याम ऑटो। अब मिलते हैं सीधे मोटर व्लॉग में। आ चुके हैं यहाँ पर अटल पथ पर। वैसे मैं अटल पथ के आस ही पास रहता हूँ, तो अटल पथ पर आ चुके हैं। और ये मेरा एक छोटा सा कपड़ा यहाँ रखा हुआ है गाड़ी वगैरह साफ करने के लिए। और बज रहे हैं अभी दोपहर के 2। श्याम ऑटो में निश्चित से काफ़ी भीड़ होगी, लेकिन अपने को काम कराना है क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसी वाली इंटरसेप्टर मुझसे नहीं चलाई जा रही। अब मुझे थोड़ी मॉडिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं श्याम ऑटो। दोपहर की धूप है एकदम, और लू 40% चल रही है। कभी हवा ठंडी लग रही है, कभी गर्म लग रही है। अभी उतनी तरह उतनी गर्मी आई नहीं है, छाँव में आप जाओगे तो ठंडा लगता है थोड़ा। तो चलो आगे चलते हैं मरीन ड्राइव के पास। तो दोस्तों ये आ चुका मैं मरीन ड्राइव के पास, ये लास्ट टर्न है, उसके बाद यहाँ से मरीन ड्राइव का आगे गोलंबर है। तो मैं तेज़ चलाने की कोशिश कर भी रहा हूँ तो गाड़ी चला नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी वॉबल कर रही है। और ये वॉबल भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं इसकी हैंडल बार चेंज करा रहा हूँ।
और चूंकि देख सकते हो मैं 60 से अभी चला रहा हूँ और सामने से हेयर का इतना फोर्स मार रहा है कि मत पूछो 60 पे भी, तो तेज़ गाड़ी तो मैं अभी नहीं चलाने वाला। तो ये आ गया मरीन ड्राइव, सामने पूरी धूल उड़ रही है, और कैसा लग रहा है आपको ये नज़ारा, ये बदला हुआ पटना ज़रा बताना। जो जो लोग खासकर पटना को पहले देखे हैं और काफ़ी दिनों से पटना नहीं आए उनके लिए बता दो कि पटना भैया हमारा काफ़ी चेंज हो चुका है। ठीक है, ये आगे जा रही है कार्बन 5 V2। V2 से दोस्तों मेरा एक अलग ही अटैचमेंट है, क्योंकि V2 जो मेरी थी ना वो बहुत खूबसूरत थी, काफ़ी अच्छी मॉडिफाई करवाई थी मैंने। अगर आपने वो वाला मेरा वीडियो मॉडिफिकेशन का नहीं देखा है तो जाकर देखना मेरी प्लेलिस्ट में, क्या मस्त मॉडिफाई करवाई थी मैंने V2। वाइट कलर की थी, वाइट एंड ब्लू में, S वर्जन थी, स्प्लिट सीट वाली, गजब की थी। मतलब मेरे बेचने का मन नहीं था, लेकिन आप तो जानती हो मेरे गैराज में जगह कम है, ऑलरेडी मेरे पास 6 बाइकें हैं और बाइक रखना अजीब लगता है। वैसे मैं एक और अपना घर बना रहा हूँ आपको यहीं से थोड़ी दूरी पर, वहाँ पर काफ़ी स्पेस रहेगा, वहाँ बाइकें तो क्या मैं कारें भी रख सकता हूँ। तो भगवान से मनाओ कि मैं जल्दी से वो जगह बना लूँ और फिर आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी काफ़ी सारी बाइकें, और उसके बाद मैं कभी कोई बाइक सेल नहीं करूँगा, हमेशा परचेस परचेस और परचेस, और अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे आपके लिए। इंटरसेप्टर का दोस्तों मैंने जब से ये साइलेंसर लगाया है तो क्या बताऊं, मतलब पहले मैं इस गाड़ी के साउंड से खुश था और अब यहाँ इस गाड़ी के स्मूथनेस से खुश हूँ। जब आप इसमें से वो गुरुसेवक या फिर ABW या फिर रेड रूस्टर ये सब हटवा देते हो, उसके बाद इस गाड़ी का जो नेचुरल साउंड है ना काफ़ी स्मूथ है। आपको इवन मेरा स्प्लेंडर भी इससे ज़्यादा बात करता है, आप एक बार चलाना तो फील करना कि इंटरसेप्टर अपने स्टॉक साइलेंसर में कितनी स्मूथ चलती है। अगर आपने चलाई है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी। मुझे तो दोनों में मज़ा आता है, मतलब कि स्टॉक साइलेंसर में या स्मूथनेस का भी मैं अभी मज़ा ले रहा हूँ। देख लो मामू लोग पूरा पकड़ रहे हैं, इन्हीं की वजह से मैंने हटाया है अपना साइलेंसर, क्योंकि अभी लगा हुआ है इलेक्शन कमीशन, आचार संहिता लगी हुई है, और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तो पुलिस को कुछ खास छूट मिली हुई है, और उसका खास छूट का पुलिस अच्छे से फ़ायदा उठाना जानती है, खासकर बाइकर्स पे। सो, अब ज़्यादा दूर नहीं है श्याम ऑटो, तो चलो अब यहाँ पर मोटर व्लॉग को करते हैं एंड और चलते हैं सीधे श्याम ऑटो में। चलो